अरे दामी जी, आप बताइए कि रोड की क्या स्थिति है? सर, हमारे रोड की बहुत ही कंडीशन खराब है। तो घाट से ऊपर के लोग तो गिनती में नहीं है, बोल भारत सरकार के कि हमें चाइना लेके जाऊँ सबको। मैं वहाँ बात चल रही है सर। रोड ये हर बरसात में खराब हो जाती है, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? अरे साहब, फ्लाईओवर बनाओ, पार से काटो पूरी जगह। हमारे पास पैसा नहीं मिला ना, गरीब को तेल भी तो बेचना है साहब। और इसमें जो है हमारे जो है लोकल के लोग सहयोग नहीं कर पा रहे, क्या बात? क्या बोलेगा साहब, गरीब आदमी है, कुछ नहीं बोलते है, खाली बोक के लाने हैं साहब और मजे ले रहे हैं। अगर गलती से चाइना यहाँ घुस गया साहब, किसकी जिम्मेदारी रहेगी? छोवला में अटैक कर दिया उसने, उसको पता चल गया रोड खराब है, गाँव घाट छिड़किला, हमारी मशीनें कहाँ से जाएंगी? भारतीय सेना के जवान सारे पैदल जा रहे हैं, ये हर घर आका फुट। और सर आप बताओ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी है लेकिन रोड नहीं है, इसके बारे में क्या? बिल्कुल नहीं साहब, इसमें क्या हुआ साहब, उस समय हमारे जनप्रतिनिधि भी कमजोर थे। 2000 में 2006 में ये हैंडओवर हो गया था प्रोजेक्ट, क्यों ना जैसे रॉक फिल अपना कोकल के से छिकला तक का बने, उसी रोड ये वहाँ से वहाँ तक भी तो बना सकते थे साहब। इस बारे में आप सरकार को क्या मतलब संदेश भेजना चाहेंगे? अरे साहब, हम नोटा दबाएंगे, हमारी कोई सरकार नहीं है। और विद्युत में जो है बिजली आपको नहीं मिल रही परमानेंट, क्या बात है? वो चूतिया है हम, केजरीवाल दिल्ली में फ्री बिजली बांट रहे, हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट हमको एक बल्ब जलाने को नहीं मिल रहा है। केजरीवाल ने 300 यूनिट सही कहा साहब, हम तो आएगा तो उसको देंगे सपोर्ट, लेकिन केजरीवाल आना चाहिए यहाँ, चले चपाटा को तो हम भी नहीं पूछते। और ये BSNL के नेटवर्क बार बार जाते, इसके भारत सरकार को क्या सूचना देंगे? BSNL भाई साहब नहीं लगेंगे, खाली ठगाने के लिए खड़ा किया। नेपाल के स्काई नमस्ते चल रहा है पूरे गांव में, अच्छा गांव वाले जागरूक हो गए अब। अच्छा अच्छा, मैं खुद बेचता हूँ नमस्ते के कूपन, उखाड़ दो। इसमें जो पूरा मतलब राजस्व नेपाल सरकार को जा रहा है, इंडिया को? नेपाल को जाएगा साहब, जिसकी फैसिलिटी अच्छी होगी उसी को तो जाएगा। तो आप इस इंटरव्यू में जो भी है आप रोड बनाने के और सब चीज़ रोड तो साहब ठीक है साहब, वैसे हम भौगोलिक स्थिति ऐसी है, रोड ऐसी थी, लेकिन साहब सरकार ने सोचना चाहिए, गलती से चाइना आ गया, क्या करेंगे हम? ओके सर।